실적 은행이 있다. सर्विस पे लगा रहा हूँ मैं, टेढ़ी लगा रही हूँ वहाँ पर, और भी है ना वहाँ से ले लो। हाँ मिले तो बताओ, मैं एक देता हूँ। और सबसे बस मैं एक बार बताता हूँ, खास आपने यहाँ पे एक चीज क्या नोटिस की कि जो आपको आ रहा है वो तो आपने अपना एक्सपीरियंस लगा लिया। हाँ। बाकी आपको, बाकी आपके जो साथी आए हुए यहाँ पर, हाँ। वो भी तो काफी सालों से, हाँ, एक्सपीरियंस से भी हमें नॉलेज बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला कि नहीं मिला, मिला जो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सर आप नहीं पूछ पाए वो पूछ लिए, तो ये हमारा एक तरह से ग्रुप में बहुत ज्यादा हमें सहायता मिलती है। जो कि ऑनलाइन में क्या होता है, जो जो सिखा दिया वो सिखा दिया, उसके अलावा फिर नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हम हमारे साथियों से भी सीखते हैं, जैसे सर तो बताते हैं और बहुत सारी बात करने में कुछ नई चीज, नई ट्रिक मिल जाती है हमें। और यहाँ पे रात भर आप लोग तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे या 3 घंटे की? 8 घंटे की क्लास। 8 घंटे में कुछ लिखवाया किताब कॉपी कुछ लाते आप लोग यहाँ पर? यही 8 घंटे में पूरा ही आ जाता था, दिमाग में ही फिट हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि जो जीटेक और यूएफओ की प्रोग्रामिंग सीखे तो अभी आप घर जाके कर पाएंगे या नहीं? कर कोई आईसी लगा सकते हो? हाँ, नहीं पेस्टेड आईसी जो है, ब्लॉक पेस्टेड हो चाहे कितने भी हार्ड हो, बिना बहुत को निकाले ईएमसी पहचान सकते हैं। हाँ, पहचान सकते हैं, तरीके उसके नंबर रहता है, नंबर रहता है, पाथ नंबर पढ़ना आता है, नंबर पढ़ लेंगे, है ना। चलो ठीक, थैंक यू। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? सर लुकमान भुट्टो। और कहाँ से आप? एमपी से हो सर। एमपी से हो, आप ये बताओ कि दिल्ली क्यों नहीं गए आप, अलग अलग शहर बड़े बड़े क्यों नहीं गए, हमें क्यों चुना आप? सर बहुत से यूट्यूब चैनल सर वीडियो देखे, उसमें इतना कुछ समझ में नहीं आया जितना जो एशिया टेलीकॉम का क्लियर था सर। एमएनसी, अच्छा आप जो अभी रिव्यू दे रहे हो यही तो रिव्यू देखे आपने? जी सर। तो बाकी लोगों के जो रिव्यू देखते थे तो आप क्या लगता था, फेक है? समझ में नहीं आता था सर, आधी चीज बताते थे आधी छुपा देते थे, क्लियर नहीं हो पाता था। अच्छा, यहाँ के जो वीडियो देख रहे उसमें सब क्लियर हो गया, और यहाँ आया तो जो पॉइंट जो माइंड में जो चल रहे थे वो भी सब क्लियर हो गए यहाँ पर। तो क्या बताइए कि यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया है ये बताइए। मैं ऑनर का कर रहा हूँ सर, अभी ऑनर का सेट कर रहा है। क्या फॉल्ट आया था, ये किसका फोन है, ये क्या फॉल्ट आया था, थोड़ा प्रॉब्लम बताइए। डाटा इंक्रिप्शन आता है सर, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी सर, इसको एमएमसी निकाल के सर इसके प्रोग्रामिंग करके फिर से लगा रहा हूँ। दूसरा एमएमसी लगा रहे हैं? इसमें कौन सा एमएमसी लगा हुआ है? संदीप का लगा हुआ था, हम सैमसंग का लगा रहे हैं। तो ये पूरा आप करेंगे? जी सर। तो इसकी पूरी नॉलेज मिल चुकी है, मतलब आपको इसको यूएफआई से भी कर सकते हो, जेटेक से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। सो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? अक्रम खान। अक्रम खान, आप कहाँ से हैं? सागर, दिल्ली। सागर से हैं आप, तो एमपी सागर है ना? सो अक्रम, आप ये बताओ कितने टाइम से काम कर रहे हो इस मार्केट में? 4-5 साल। 4-5 साल से। और क्या चीज लैक हो रही थी आप में कि आप यहाँ आपने सोचा कि एएमसी ज्वाइन करते? सर मैं आपकी वीडियो देख के सोचता था कि लाइफ में कुछ नहीं, बहुत कुछ मिस हो रहा है सर। हाँ, ये बात इसलिए सोच के मैं सोचा मैं आपके पास आया। अच्छा, तो अभी क्या लगता है अब आपको, पहले के अक्रम में और अब के अक्रम में कितना फर्क है जब आप यहाँ आए थे? बहुत फर्क हो गया। बहुत फर्क हो गया है। अच्छा, अब ये नहीं लगता है कि यही अगर हम बहुत पहले आ जाते हैं 4 साल या 1 साल में तो हम कितना अपडेट हो जाते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत कुछ कर लिया होता है ना, नॉलेज हो गया होता है। अभी तो हमारा नॉलेज बहुत होता है मार्केट में, बहुत अच्छा नाम कर लेते हैं। तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। चलिए ठीक है, ये कुछ काम कर रहे हैं अभी बताएंगे, क्या बता रहे हैं अक्रम? ओप्पो A3s के बारे में बताएंगे। ओप्पो A3s वो जो ISP पिन आउट से डेड हो गया है। सो अच्छा, ये ISP पिन आउट से डेड होने का जो रीजन है वो आपको पता है ना? तो अपन से तो डेड नहीं होगा ना? नहीं, और डेड हो भी गया तो अपन उसको बना सकते हैं ना? हाँ, उसको फ्लैशिंग करने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल लोग फ्लैशिंग करते हैं उसको ऑनलाइन पे लेके, बट वो होता नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे सारे को स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? कृष्णा पटनायक। कहाँ से आप? बंगाल से। आप ये बताएं कि आपने एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? एशिया टेलीकॉम के वीडियो में जो प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा तो मैं शायद बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा, तो इसलिए आए। तो आपने जब यहाँ आए तो शुरुआत में क्या महसूस किया और अब क्या महसूस कर? सर ट्रिक इतने सारे मिलन सर, इतने ट्रिक इतने आसान है कि आप मतलब बहुत आसान जल्दी सीख जाऊँ। अच्छा, बहुत जल्दी सर, मतलब मैं हरदम ही सोचता हूँ कि इतनी छोटी छोटी कितनी आसान से समझ में आ जाती है कि सर कितना अच्छा से बता रही, बॉलिंग हुआ,
वो सर जिस दिन आए 5-10 मिनट में रिबॉलिंग बता दी, आप लोग आधे घंटे के अंदर ये बॉलिंग सीख चुके थे, और बहुत सारे सर ट्रिक है जो बिना यहाँ आए आप नहीं मिस कर जाओगे। हाँ मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि ये प्रॉपर तरीका होता है ट्रेनिंग का और सही तरीका सही जगह पे बेसिक है, आपको जानना चाहिए एमसी ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ है। हाँ और वो बिना जाने अगर हम करते तो ये हमारे लिए आगे दिक्कत ही करता, खराबी करता, खराब कर, और ऊपर फिर हर फिर वो होता है ना कि हर चीज में सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन बेसिक्स में भी चाहिए आपको। तो आप अब क्या कर रहे हो, क्या है Redmi 2 का है, लो हैंग इन लोगो आ गया था, तो मैंने एक आईसी उठाई है, इसको प्रोग्रामिंग किया, अब इसको बैठाने वाला हूँ बॉलिंग करके। तो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते तो क्या होता, बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, कंफर्म हम काम कर सकते हैं, और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर यो अपना यो सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो ऐसा भी हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा नंबर बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो वो लोग नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिबॉल करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो मैंने फिर सोचा कि
कोई अच्छा था उसको चुना जाए तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया तो सर टेलीकॉम को चुना तो आप सेटिस्फाइड हैं सर 100% सर्टिफाइड है अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आज को फॉलो कर सकता हूँ सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल विजिट कर सकता हूँ लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता हूँ यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है हाँ कुछ कर सकते हैं अपन हमारा भी पहला दिन था सर हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार तो हमको भी घुस नहीं समझे कि इसके अंदर एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है Amazon 1001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.